के अमल हम देखते हैं। सबसे पहला अमल, जिस अमल के करने से फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं, वो अमल क्या है? ठीक, तो सबसे पहला अमल ये है जिसके करने से इंशाल्लाह इस फरिश्ते नाजिल होते हैं, वो है कि बावजू सोने से फरिश्ते नाजिल होते हैं। सोने को इंसान जा रहा है, कैसे सोना है? वजू के साथ सोना है, बहुत मशक्कत का काम नहीं, सिवाय किसी के पास अगर पानी ना हो तो। ठीक, वरना कोई मशक्कत का काम नहीं। इंसान ने वजू किया, और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हीटर के साथ साथ कूलर भी होते हैं हमाम के अंदर, की ठंडा पानी भी हो अगर गर्मी ज़्यादा हो तो, और गर्म पानी भी हो अगर सर्दी ज़्यादा हो तो मशक्क़त कम होती है। लेकिन हो सकता है कभी मशक्क़त हो या पानी ना मिले, तो इंसान अगर वजू करके सोता है और अगर इस हदीस के अमल के मुताबिक के उससे तो फरिश्ते नाजिल होते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ ये बहुत ही जो है नेकी का और बरकत का बायस बनते हैं, चूँकि फरिश्ते हर किसी के लिए नहीं आते। बात याद रख लीजिए, ये बात भी भरा याद रख लीजिए, फरिश्ते हर किसी के लिए नहीं उतरते हैं, जिनसे रब राजी होता है, आयत हम देख चुके, जिनसे रब राजी होता है उन्हीं के लिए उतरते हैं। तो लिहाजा बावजू होकर जो शख्स सोता है फरिश्ते उसके लिए उतरते हैं और नाजिल होते हैं। सही अल जामे की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा उसके रावी फरमाते और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, इन जिस्मों को पाक करो, इन जिस्मों को पाक करो, साफ करो, धो, इसका माना है पाक करो, अल्लाह ताला तुम्हें पाकिजगी अता फरमाएगा। अगर जिस्मों को पाक करोगे तो अल्लाह पाकिजगी अमाल के अतबार से, सोच और विचार के अतबार से भी इंशाल्लाह अता फरमाएगा। तो इस्लाम में पाकिजगी बड़ी अहम चीज़ है, और जब मैं पाकिजगी की बात कर रहा हूँ तो अपने घर के हद तक की पाकिजगी की बात नहीं हो रही है, पाकिजगी अपने जिस्म की, पाकिजगी जहाँ हम रहते हैं उसकी, पाकिजगी हमारे मोहल्लों की, पाकिजगी जो हमारे शहरों की, और पाकिजगी हमारे मुल्कों की। जाहिर होना चाहिए कि हाँ ये मुसलमान है और ये एक पाकबाज कौम है, इसलिए कि उनका दीन उन्हें हर चीज़ में साफ सुथराई का हुक्म देता है, और इस्लाम इतना पाकीज़ा दीन है। मैं आपको क्या बताऊँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने के लिए जाते तो आप हाथ को धोया करते, हाथ को धोया करते, मतलब खाने से पहले हाथ धोना ये इतना अहम अमल है। ये मैं इसलिए आपको रख रहा हूँ कि दुनिया के अंदर यूनिसेफ की तरफ से या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज हु के तरफ से एक दिन दुनिया भर में मनाया जाता है हैंड वॉशिंग डे, ताकि लोग आदि हाथ धो चुके, अक्सर लोग बगैर हाथ धो के खाना खाते हैं, और अक्सर बीमारियों की वजह साइंसी एतबार से बगैर हाथ धो के खाना खाना है। तो एक दिन है पूरा साल में मनाया जाता है, सिर्फ हाथ धोना सिखाया जाता है उस दिन। हमारे दीन ने तो सिखा दिया कि हमारे रबी तो 5 वक्त वज़ू के अलावा, गुस्ल के अलावा खाने से पहले हाथ धोते, और सफाई पाकिस्तान की